हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन स्वागत करता हूं। सभी लोग आ जाइए और एक बार कंफर्म कर देंगे वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ क्लियर है। वॉइस वीडियो पीपीटी सबको क्लियर है। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग पूजा, कैसे हैं आप लोग और कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी, एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू जोया। राधे राधे गुड्डू, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और भी बेहतर बनाई है ना, जल्दी से जल्दी आई एम फाइन जोया, थैंक यू। गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग अंजनी। स्टडी एवरेज, ओके ओके जोया, डोंट वरी, हम लोग रिवीजन करेंगे तो कई चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएंगी और आपको फिर अपने आप पर एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मुझे ये आता है ना, राइट। ओके, वेरी गुड गुड्डू। विपिन तो फिल कर दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या प्रॉब्लम आ रही है विपिन? क्यों नहीं हो रहा है सबमिट? कोई प्रॉब्लम है उसमें, ये बताइए। क्या पेमेंट नहीं हो रहा है कि फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक काम करिएगा विपिन, अगर नहीं होता है तो आप मुझे पर्सनली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जो भी हो भेज दीजिएगा, ओके, मैं चेक कर लूँगा। अभी मैं फ्री हूँ, मैं चेक कर लूँगा, क्लास के तुरंत बाद भेज दीजिएगा, ओके, जो भी होगा मैं देख लूँगा। क्योंकि जब तैयारी चल रही है आप लोगों की तो फॉर्म बिल्कुल भी मिस मत करिएगा कि भरे ना सर इस बार ना दें। देखिए एग्जाम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कि आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसका एक आइडिया लग जाता है, राइट। गुड इवनिंग साक्षी, चलिए तो जल्दी से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके तुरंत बाद अपने सेशन को समाप्त भी करेंगे, राइट। आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, दो क्लासेस का कंटेंट एक ही घंटे में पढ़ेंगे और जो भी आपका डाउट हो वो क्लास में पूछिएगा जरूर, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको हम सरल भाषा में समझाएंगे जिससे कि आपको समझना बहुत आसान हो, राइट। चलिए तो एक बार थम्सअप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, पार्ट फर्स्ट होगा, इसमें प्रशासनिक सिद्धांत क्या हैं और किससे संबंधित हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। मॉर्निंग जो क्लास हुई थी उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप सभी लोग पुस्तक जो बुक्स के नेम हैं वो इंग्लिश में याद करेंगे और जो हमने आपको डेवलपमेंट अर्थात विकास के जो स्टेज बताए हैं उनको सिक्वेंस में याद करेंगे विथ डेट के, और किस सिद्धांत किस चरण में कौन से थिंकर हैं उनको भी याद करेंगे। ओ माय गॉड, सॉरी गुड्डू, मैंने पीडीएफ नहीं भेजा है ना। चलिए मैं अभी इसका और जो मॉर्निंग पढ़ाए थे उसका भी मैं सारे पीडीएफ आज ही अपलोड कर दूंगा, ओके, क्लास के बाद, ओके गुड्डू। एक बार दिन में थोड़ा याद दिला देते आप लोग तो थोड़ा एक बार रिमाइंड करा देते, मैं अपलोड कर देता। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल गुड्डू पिछला आप लोगों ने रिवीजन किया होगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता है शास्त्रीय संगठन सिद्धांत,
तो पारंपरिक भी कह सकते हैं इसे, है ना, जो बहुत पुराना चलता रहता है। तो शास्त्रीय संगठन सिद्धांत मानता है कि प्रशासन एक सार्वभौमिक संरचनात्मक निर्माण है जिसके स्थिति और संदर्भ की परवाह किए बिना एक सार्वभौमिक प्रयोज्यता तथा सब लोग प्रयोग करते हैं और एक ही तरह की समस्याओं के लिए अति संवेदनशील होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्लासिकल जो संगठन है उसमें क्या होता था कि एक जो समस्याएं हैं ये मान लिया जाता है कि सभी जगह ये समस्याएं होती हैं और इनके इन समस्याओं के हल को हल करने के लिए जो भी समाधान है वो सभी जगह समान रूप से अप्लाई हो सकते हैं या किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी कभी, राइट। तो ये अति संवेदनशील होती हैं ये समस्याएं, और इसीलिए इस सिद्धांत के समर्थकों की राय रही है कि संगठन के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए संगठन के कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों पर काम किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी समस्या हो सकता है कहीं वो समस्या सेम हो और उसके समाधान भी, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी सेम हो, है ना, और कहीं कहीं प्रॉब्लम तो सेम होती है लेकिन सॉल्यूशन सेम नहीं होते हैं, राइट। तो ऐसी समस्याओं को और ऐसी समस्याओं के समाधान करने के लिए एक हमें सार्वभौमिक यूनिवर्सल थ्योरीज के ऊपर हमें काम करना होगा। जैसे कि मान लीजिएगा अभी हम लोग आगे वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, राइट। तो इससे जो भी थिंकर संबंधित हैं वो यही मानते हैं कि संगठन में एक सुचारू एवं सॉरी सुविधाजनक बनाने के लिए संगठन के कुछ सार्वभौमिक नियम होने चाहिए, जो जहां भी जैसा संगठन हो उनके कुछ सारे संगठनों के सेम नियम होने चाहिए और उन्हीं से चलना चाहिए, राइट। ये चीज यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ ये चीज हम लोग जान लेते हैं। पश्चिम में 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी 19th century के शुरुआत में हुआ था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, एक पीक पर थी, और इसमें दक्षता एवं अर्थव्यवस्था औद्योगिक उत्पादकता प्रोडक्शन का नारा बना था। मतलब क्या होगा इसमें, एक इसमें एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी के रूप में इसे जाना जाता है, ये कि भाई अब दक्षता होगी और अर्थव्यवस्था होगी, यही चीजें होंगी। और इनमें सिद्धांत चार प्रमुख स्तंभ थे, क्या थे कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, कार्यात्मक प्रक्रियाएं, संरचना एवं नियंत्रण की अवधि के बारे में बात किया जाता था और कुछ नहीं। अराउंड फोर पिलर्स, तो याद रखिएगा इसमें डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर ऑफ फंक्शन प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की अवधि, राइट। तो यहाँ तक चीजें आपको याद रखनी है कि शास्त्रीय सिद्धांत में ट्रेडिशनल अप्रोच में किसकी, ट्रेडिशनल या क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच या थ्योरी में क्या बात करते हैं। तो फोर पिलर है, फोर पिलर कौन कौन से हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर ऑफ फंक्शनल प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल, ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब इससे संबंधित कौन कौन से थिंकर हैं ये हम लोग जान लेंगे। जैसे हेनरी फ्योल का क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इन्होंने दी है। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में इन्होंने फाइव की एलिमेंट के बारे में बात करती हैं। कौन कौन सी, इसे शॉर्ट में पोको बोला जाता है, POCC, इसका फुल फॉर्म। जैसे अच्छा पोस्ट कॉर्प किसने दिया था, मैंने आपको मॉर्निंग बताया था, है ना, पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म बताइए। इसका पूछा जाता है हर बार, एक क्वेश्चन इससे बनता है हर बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, थोड़ा पूछ लिया जाए आप सबसे, है ना, राइट, बताइए। नहीं है इसका मतलब आप लोगों की डांट पड़नी चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे। लूथर गलिक एंड अरविक बैरी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ओके। चलिए अब आते हैं POCC, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल पर बात करता है, ओके। यस, वेरी गुड साक्षी, तो ये चीज याद रखना है। इसमें इस समय इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इनके कुछ कार्य इन्होंने किए हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी एक पुस्तक है, और जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट, इनके बारे में ये
बात करते हैं। तो यहाँ पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किस थिंकर ने दी है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या, हेनरी फ्योर। ओके, अब हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में भी याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए। ओके, बस यही योजना, आयोजन, कमान, समन्वय एवं नियंत्रण। चल एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों को भी विकसित किया है। 14 प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ते हैं, तो 14 प्रिंसिपल श्रम विभाजन, अधिकार एवं जिम्मेदारी, अनुशासन, कमांड की एकता, दिशा की एकता, सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला, पदानुक्रम, इक्वलिटी, स्थिरता और अधिक व्यापक बनाने के लिए कर्मियों की कार्यकाल, आदेश, पहल, है ना, एस्पिरेट डी कॉर्पस, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, ये 14 प्रिंसिपल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि प्रशासन के 14 प्रिंसिपल किस थिंकर ने दिए, तो हेनरी फ्योर। ओके, चलिए आगे आते हैं। उनका मत ये था, हेनरी फ्योर का, कि अच्छे प्रशासन के लिए कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। मतलब जो अच्छे एक अच्छे प्रबंधक हो, मैनेजर हो, कोई भी संगठन है, अगर हमें संगठन अच्छा कैसे होता है, जब उसमें प्रबंधक मैनेजर उनके सही होते हैं तो अच्छे होते हैं। आज की डेट में हम लोग जैसे SBI बैंक है, कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, ये बैंक बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वहाँ देखिए बैंक सारी अच्छी होती हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सारी सर्विस अच्छी देती हैं, बट वहाँ का जैसा मैनेजर होगा वैसी आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। अगर मैनेजर खड़ूस होगा तो भाई सर्विस भी आपको खराब ही मिलेगी, तो इससे बदनामी होती है बैंक है, राइट? तो कोई भी संगठन होगा, जैसा मैनेजर होगा, वहां का प्रबंधक होगा, वैसी वहां की क्वालिटी होगी। अब बात आती है, कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता होती, वे चाहते थे कि उनके प्रबंधकों में निम्नलिखित गुण हो, कौन कौन से, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं अनुभव। अब मान लीजिएगा थोड़ा कोई भी मैनेजर है, राइट, मैनेजर अगर शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो वो समय काम समय पर नहीं कर पाएगा और समय से आ नहीं पाएगा, राइट। शारीरिक रूप से अगर कमजोर होगा या बीमार होगा या कोई भी फिजिकली क्वालिफाइड क्वालिटीज नहीं होंगी तो वो अपने काम करने में असमर्थ होगा, राइट। दूसरा मानसिक गुण, अगर मेंटल टॉर्चर नहीं होगा उसे कहीं से भी तो वो काम अच्छे से करेगा, है ना। अगर उससे कहा जाए कि आपको जैसे कि SBI वाले कामचोर है, नहीं विश्वजीत ऐसा नहीं होता है, कामचोर नहीं होते हैं, है ना, कोई भी कामचोर नहीं होता, बट क्या होता है जब ऊपर से, देखिए एक श्रृंखला चलती, पहले हम ये समझा दें फिर हम आपको उस चीज पे बताते हैं। ओके, शारीरिक आपको कमजोर या बीमार है तो कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि आज आप पढ़ते हैं, हम आपसे कहें कि आपका नेट GRF होना चाहिए, आप कहते हैं सर मेरा GRF होगा, मैं करके दिखाऊंगा, बाई चांस अब आप बीमार हो जाते तो आपका फिजिकल गुण, जो फिजिकल क्वालिटीज हैं वो थोड़ी डाउन होगी, इस वजह से आप कमजोर पड़ गए, तो आपने जो आपके गोल थे वो आपने अचीव नहीं कर पाए। मेंटल टॉर्चर, या आपके दोस्तों या घर वालों या फिर पड़ोसियों द्वारा दिए गए, ऐसे ही एक संगठन या कार्यालय में, सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कोई भी कंपनी है, उसमें अगर मैनेजर के ऊपर मानसिक गुण उसके ठीक है, मतलब मेंटल क्वालिटी सही है, उसे कोई मेंटल टॉर्चर नहीं है, तो क्या है कि उसके काम बढ़िया चलेंगे और एक संगठन अच्छे से तरक्की भी करेगा, ये उसके गुण होने चाहिए। नैतिक गुण, थोड़ा मोरल भी होना चाहिए, उसे शिक्षा भी होनी चाहिए जिस काम के लिए उसे रखा गया, और विशेष शिक्षा एवं अनुभव, जैसे कि विशेष शिक्षा स्पेशल नॉलेज, तो उसे थोड़ा टेक्निकल भी होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है, तभी, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो विशेष शिक्षा में कंप्यूटर ही आता है, डिजिटल है, तो ये थोड़ी नॉलेज उसे होनी चाहिए कि कैसे क्या किया जा सकता है। ओके, तभी एक मैनेजर, तभी एक संगठन में जब अच्छे कुशल प्रबंधक होंगे तभी वो संगठन ऊपर जाएगा। अब बात कहते हैं, विश्वजीत कहते हैं कि सर SBI वाले काम चोर होते हैं, ऐसा नहीं है विश्वजीत, मान लीजिएगा आप हैं, ठीक है, आपसे हम कहें कि विश्वजीत आपको GRF करना है, राइट, GRF करने के बाद
आपने कहा कि सर मैंने पीएचडी में इनरोल हो गया और मैं क्या कर रहा हूँ, स्कॉलर ले रहा हूँ, अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। अब रिसर्च में आपने कहा कि सर मैं अच्छे से रिसर्च कर रहा था, लेकिन बट मेरा जो गाइड था उसने क्या कहा कि बच्चा आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो अभी मत करिएगा, आप जाइएगा हमारे घर घर जाइएगा और हमारे घर सब्जी दे के आइएगा, ठीक है, कुछ वेजिटेबल खरीद लेना मार्केट से और देना। तो उसने अब आपको क्या किया, एक मेंटल टॉर्चर किया, राइट, मेंटल भी किया फिजिकल भी किया, तो अंत में आप पर काम नहीं हुआ और आप रिसर्च अपनी सही से नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बारे में कोई अन्य स्टूडेंट या कोई भी कहेगा कि आप काम चोर हैं, तो ऐसी तो क्वालिटीज आपके ऊपर या काम चोर के लिए ऊपर आपके ऊपर दाग तो नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आपको टॉर्चर किया गया मेंटल और फिजिकली, इसलिए आपने काम करना बंद नहीं कर दिया, राइट। फिर तो आप गाइड आपके लिए अच्छा अच्छा बोलने लगेगा, क्योंकि आप गाइड का घर का काम भी कर देते हैं, राइट, क्या आप उसके बच्चे को स्कूल भी छोड़ाते हैं, ये चीजें होती हैं, है ना। फिर आप नहीं करेंगे काम और आपका जो एजुकेशन लेवल होगा वो घटता जाएगा और फिर आप काम नहीं करेंगे, काम चोर करेंगे, तो आपका गाइड होगा वो आपको कहेगा ये बहुत होशियार बंदा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, राइट। फिलहाल बैंक वाले भी बहुत काम करते हैं, उनको भी बहुत काम रहते हैं, है ना। चलिए ये चीज समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब आती है अगला साइंटिफिक मैनेजमेंट, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन, जो हमने आपको बताया था F.W. टेलर, फ्रेडरिक टेलर ने दिया है, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो किन्हें कहा जाता है, फ्रेडरिक टेलर, F.W. टेलर इनका शॉर्ट नेम है, और इनका जो मेजर ब्रेक थ्रू है इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, औद्योगिक प्रबंधन में इन्होंने प्रमुख, इनके सिद्धांत ने प्रमुख सफलता प्राप्त की है, क्योंकि वैज्ञानिक विज्ञान के आधार पर इनका सब कुछ चलता है, और इनके वर्क कुछ इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा, जैसे कि इंग्लिश में याद रखिएगा, अ पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज याद यहाँ रखना कि ये सारी बुक F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लेंगे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी F.W. टेलर, और इनकी बुक पूछ लेंगे और सीक्वेंस में पूछ लेंगे कि आप ये बुक बता दीजिएगा, या बुक दे देंगे सीक्वेंस में लगा दीजिएगा, मैच द फॉलोइंग बना देंगे इसी का, है ना। तो आपको याद रखना है अ पीस रेट सिस्टम कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, 1895, द शॉप मैनेजमेंट 1903, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1911। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इनका जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत या मॉडल था, जो औद्योगिक क्रांति के कारण उद्भव, इसका विकास हुआ, और प्रबंधन के कुशल विज्ञान की आवश्यकता पर आधारित है, ओके, याद रखना है। हाँ हाँ साक्षी मैं समझ सकता हूँ, देखिए आज के टाइम में कोई भी फ्री नहीं है, ठीक है, टीचर भी बहुत काम करते हैं, हर कोई अपना काम करता है, और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति है कोई भी कामचोर नहीं होता है, जब उसके ऊपर का बॉस होता है वो उसे मेंटल या फिजिकल टॉर्चर करता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो काम करना बंद कर देता है, कोई भी व्यक्ति हो, ओके, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको एक दिन पढ़ाऊँ, दो दिन ना पढ़ाऊँ, और तीसरे दिन फिर मैं क्लास का टाइम चेंज कर दूँ, किसी दिन रात में 12 बजे लूँ, तो आप कहेंगे कि सर इससे अच्छा है कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, मैं अपना मेंटल टॉर्चर नहीं करना मुझे, मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ और फिर अपना खुद कर लूंगी जितना होगा, राइट, है ना, ये चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत हैं, तो उन्होंने बताया है क्या, काम के सच्चे विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक चयन होना चाहिए, फिर प्रशिक्षण होना चाहिए, फिर श्रमिकों की प्रगतिशील विकास होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। कार्य के विज्ञान और वैज्ञानिक रूप में चयनित और कार्य के प्रशिक्षण के बीच घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए, मतलब एक कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन साइंस एंड काम, विज्ञान और कार्य, अर्थात कार्य को विज्ञान की तरह करना चाहिए, विज्ञान के अनुसार करना चाहिए, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच काम का विभाजन, डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, जिस वर्कर को जो काम देना चाहिए वही मिलना चाहिए, ये नहीं कि हम कहें प्रबंधक से या मैनेजर से कहें कि जाइए आप पानी लेके आइए, तो उसे एक
अपने आप में क्या गिल्टी फील होगा, और हम कहें एक कर्मचारी से कि जाइए आप कुर्सी पर बैठिए, है ना। तो दोनों को ऐसे हम काम नहीं दे सकते, एक डिवीजन रहता है कामों का, है ना, वर्क्स का डिवीजन रहता है कि किसे क्या देना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार काम बांटे जाते हैं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ओके, जो कार्य है उनका कैसे ट्रेनिंग और कैसी होनी चाहिए ट्रेनिंग, एक साइंटिफिकली ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई है कि उनका जो चयन होगा वो कैसे होगा, प्रोसेस ट्रेनिंग होगी, उसके बाद श्रमिकों का जो भी विकास होगा, है ना, उनकी प्रगतिशील विकास की जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद फिर उनका प्रमोशन भी होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। ओके, अब आती है इनकी टेक्निक्स क्या है, तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या टेक्निक्स, ये हम आपको पढ़ाएंगे, एक डायग्राम के थ्रू इनको समझाएंगे, क्या जैसे फंक्शनल फॉर्मेंसिप अर्थात कार्यात्मक दूरदर्शिता, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, पीस रेट प्लान, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति, इनमें इन्होंने तकनीक बताई कि फंक्शनल फॉर्मेंसिप में, अर्थात एक कोई भी भर्ती होता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे कम से कम 8 से 9 फॉर्मेंसिप के अनुसार के रास्ते से गुजरना होगा जो आपको ट्रेन करेंगे हर एक अलग अलग क्षेत्र में। फिर आपके काम पर आपकी मोशन अर्थात गति का अध्ययन किया जाएगा कि आप काम कैसे करते हैं, आपका समय अध्ययन किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है एक फैक्ट्री में, और पीस रेट सिस्टम, दर टुकड़ा दर योजना जिसमें आपके आपके द्वारा प्रोडक्शन जो भी किया जा रहा है उसमें कितना समय लगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, टूल्स के बारे में मतलब कौन सा टूल्स किसके बारे में काम करेगा, वो सारी चीज़ें, मानसिक क्रांति, एक प्रबंधक एवं कर्मचारी को दोनों को आपस में मिलाने के लिए क्रांति चलाई जाएगी। ओके, इनके बारे में डायग्राम के थ्रू हम आपको बताएंगे, यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर सभी को एक बार बता दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड साक्षी, और कोई? अभी इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, ये मतलब थोड़ा ही थोड़ा आपको समझना है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से इनको थोड़ा डीप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ एकदम हम लोग डीप में चले जाएंगे तो आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, अब दोबारा से पढ़ाइए, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़िए आराम से, बस हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाइड करना है ना, ना कि ज़्यादा भी ज्ञानी बनना है, एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए उसके बाद तो रिसर्च स्कॉलर बनेंगे ही और अच्छे से भी पढ़ेंगे। चलिए एक थोड़ा मोटिवेशन कोट ले लेते हैं, अगर आपने GRF का फॉर्म भरा है, ठीक है, आपने एग्जाम दिया है और बाय चांस कुछ थोड़ी सी मिस्टेक के द्वारा आप हार जाते हैं, मतलब आपसे नहीं हो पाता क्वालिफाई, तो इसे वो मत मानिए कि जीवन का ये अंतिम पड़ाव है और जीवन का ये आखिरी चरण था जिसमें भी हम जीत नहीं पाए। ओके, तो हार तो एक सबक है, हार तो एक सबक है, और एक ऐसा सबक है जो आपको बेहतर से बेहतर बनाने का मौका देती है। ओके, तो हारना भी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने MA किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, मुझे उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया, और दोनों सेमेस्टर में उन्होंने यही बात हम लोगों को की थी कि हम लोगों को बोले थे, वो मेरे फेवरेट भी प्रोफेसर रहे हैं, क्योंकि वो जीवन की उस सच्चाई से वाकिफ कराते थे जो हम लोग उस समय नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग उस लेवल से आए हुए होते हैं कि कभी हम लोग कोई भी क्लास फेल नहीं हुए हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि MA तो पास हो जाओगे, ये हम लोग कर देंगे, लेकिन आप जीवन में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दें, एग्जाम दें और उसमें हार जाते हैं और आप अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि हार भी एक सबक है जो आपको एक बेहतर मौका देती है कि आप और अच्छे बने। ओके, तो कभी भी आप ये मत मानिए कि सर मैंने बहुत तैयारी की और मुझसे नहीं हुआ और मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत मानिए। ओके,
हो सकता है अगली बार जब जेआरएफ हो तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो करना आप ही को है, और आप ही जैसे लोग करते हैं सभी लोग जीतते हैं, ठीक है? बस किसी के लिए, किसी की झोली में क्या है कि पहले आ जाती है जीत और किसी के बाद में। ऊपर वाला सभी को रास्ते और उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। ओके, याद रखिए, कभी भी हार नहीं मानना है ना? सभी लोग थम्सअप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और याद रखिएगा, मैं भी हूं, मेरा पहली बार में जेआरएफ नहीं हुआ था। पहली बार में तो मैं भाई कुछ पता ही नहीं था, ठीक है? पहली बार में दोनों पेपर मिला के 100 नंबर आए थे, कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरी बार में नेट हुआ और तीसरी बार में जेआरएफ हुआ, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा, हर कोई हारता है, ठीक है? हम भी आप ही लोगों में से निकल के आए हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज पार्ट टू हम लोग देखेंगे यहाँ, और यहाँ कुछ थ्योरी सिद्धांत पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, इसके सुबह हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था कि ये किसने दी है, मैक्स वेबर के बारे में हम लोगों ने देखा था। लेकिन रियल में नौकरशाही शब्द जो पहली बार 1746 में फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री थे, विसेंट डी गॉर। तो ये चीज याद रखिएगा, विसेंट डी गॉर ने। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी किसने दी, तो याद रखिएगा किसने दी, मैक्स वेबर ने शुरू की। और शब्द किसने दिया पहली बार, तो विसेंट डी गॉर। शब्द अगर लिख के आता है बर्ड, तो विसेंट डी गॉर ने। ओके, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, अब मैक्स वेबर को हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर एक इतना अच्छा काम किया कि इसे एक अध्ययन का क्षेत्र बना लिया, ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही, है ना? तो इसलिए हम लोग इनकी जो थ्योरी पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, उनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ओके, मैक्स वेबर ने अपनी नौकरशाही सिद्धांत को आदर्श प्रकार कहा है, मतलब एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी होगी, आदर्शवादी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही स्वयं राज्य की तरह एक औजार है। अर्थात नौकरशाही क्या है, एक नौकरशाही शब्द बुरा नहीं है, शब्द बहुत अच्छा है, मतलब एक ब्यूरोक्रेसी, इसमें सारे कर्मचारी होंगे, सरकार का काम कर रहे होंगे, वो है। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इस ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को हर थिंकर ने अपने अलग अलग नाम से भी कहा है, लेकिन मैक्स वेबर की एक पुस्तक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947, इन्होंने लिखी है। और अन्य जैसे थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनल, वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी कहा है, यंत्रवादी सिद्धांत कहा है, ये यंत्रों से चलता है। ऐसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी रॉबर्ट मार्टन ने बोला है, ऐसे ही पैथोलॉजिकल थ्योरी भी विक्टर थॉमसन ने कहा है, अर्थात ब्यूरोपैथोलॉजी के नाम से इन्होंने नौकरशाही व्यवहार को एक बीमारी के रूप में समझाया। ओके, एक बीमारी के रूप में कैसे समझाया, कि भाई हर संगठन में एक नौकरशाही है, हर एक स्तर पर नौकर काम करते हैं, मतलब कर्मचारी काम करते हैं। ओके, यस यस साक्षी, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, करेक्टरिस्टिक, इसकी कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क एंड हाई एंड स्टैंडर्डाइजेशन फंक्शन एंड परफॉर्म, तो इसमें एक कार्यों का विभाजन होता है, एंड स्पेशल और एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन, एक मानक होता है, और कार्यों का एक परफॉर्मेंस अर्थात कार्यों की दक्षता के बारे में काम करते हैं। दूसरा, हैरार्की, एक पद सुपानवी होता है, हैरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो जैसे मान लीजिए प्रबंधक होगा तो वह उसके अंडर जितने भी कर्मचारी होंगे वो उनको इंडिकेट करेगा, राइट? तो हैरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो जितना उच्च पद होगा उसका अधिकार उतना ही ज्यादा होगा। ओके, फंक्शन और डिफाइंड बाई लॉ, एक कानून द्वारा उनके कार्यों को डिफाइन किया जाता है। और असेसमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय फॉर देयर टेक्निकल कंपिटेंसी,
कंप्लेंट अर्थात उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सिलेक्ट जो भी किया जाता है उनकी शिक्षा एवं तकनीक द्वारा। ओके, फॉर्मल सोशल रिलेशन अकॉर्डिंग टू द पोजिशन हेल्ड, उनके जो रिलेशन होते हैं एक दूसरे में तो उनकी पोजिशन के अनुसार होते हैं। ये नहीं कि एक प्रबंधक होगा कर्मचारी से अच्छे संबंध होंगे, ऐसे नहीं, तो उनके फॉर्मल सोशल रिलेशनशिप होते हैं एक पोजीशन के अनुसार। ओके, एम्प्लॉयज रेगुलर वेजेस, उनके रोज की जो तनख्वाह होती है सामान तो उसके बारे में, रिटायरमेंट इनकम ना तो उनकी जो भी सैलरी होती है वो, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड एम्प्लॉयज फंक्शन, उनके कार्यों का वितरण भी होता है, और देयर रेगुलर कैरियर ऑफ एम्प्लॉय ओवर टाइम, और ओवर टाइम भी उनका काम होता है। ओके, ये चीज़ें क्लियर यहाँ तक, एक बार थम्स अप दीजिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अब आता है थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, क्या है प्राधिकरण का सिद्धांत, अर्थात प्राधिकरण का सिद्धांत अच्छा कौन बताएगा, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, आपके घर में किसकी अथॉरिटी चलती है, किसका अधिकार है? बताइए, यस, तो पापा का अधिकार है ना, तो पापा को एक कैसे अथॉरिटी मिली, पापा को एक ट्रेडिशन परंपरा से मिली, है ना, राइट। चल अब हम लोग देख लेते हैं, यस, मम्मी पापा को। तो ऐसे ही अथॉरिटी तीन प्रकार की होती है। ओके, मैक्स वेबर के अनुसार अथॉरिटी जो है वो तीन प्रकार की होती है, एक ट्रेडिशनल पारंपरिक, और दूसरी करिस्मेटिक, तीसरी रैशनल एवं लीगल। तो पारंपरिक रूप से कैसी, प्राचीन परंपराओं की पवित्रता में स्थापित आस्था एवं उनके तहत प्राधिकरण लागू करने वाले लोगों की स्थिति की वैधता। जैसे कि अगर हमारी दादी या दादा ने कहा कि भाई आपको 10 बजे के बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में हो सकता है आपको किडनैप कर ले, है ना, हो सकता है कोई ऐसी खराब आत्मा हो जो आपको अपने कब्जे में कर ले, है ना, कई चीज़ें हो जाती हैं ऐसी, तो मना करते हैं, तो अथॉरिटी उनकी माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक उनकी बातों में सच्चाई दिखती है, राइट, दिखती है, तो इस वजह से एक उनकी कोई, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हमें अपने ईश्वर को मतलब ईश्वर को याद करना चाहिए जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान होता है, तो एक ये आस्था हो जाती है, राइट, हो जाती है। तो यही चीजें एक क्या करती हैं, एक हमको ट्रेडिशनल अथॉरिटी प्रदान करती है कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तब अपने ईश्वर अपने भगवान का नाम लेते हैं जो भी है, तो एक हमारी एक परंपरागत ये अथॉरिटी। ओके, जब हमको डर लगता है तो हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, है ना। अगली है करिस्मेटिक, करिश्माई भगवान प्रदत्त प्रतिभा अर्थात गॉड गिवन टैलेंट। एक क्या होता है करिश्माई, जैसे कि अथॉरिटी आज मोदी जी है, मोदी जी कहीं कुछ नहीं है, आज उनके पास अथॉरिटी एक करिश्मेटिक है, कहीं ना कहीं एक गॉड गिफ्टेड है टैलेंट, तो जिस वजह से हम लोग मानते हैं कहा मोदी जी कर लेंगे, सभी लोगों को पता है कि मोदी जी ये सारी चीजें कर लेंगे, राइट। आज वो ट्रेडिशनल तो है नहीं, अब एक उन्हें करिस्मेटिक माना जाएगा, भगवान द्वारा उन्हें गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो वो सब जगह देख लेते हैं और अच्छे से चलते हैं, राइट। अगला आता है रैशनल लीगल, एक अथॉरिटी कानून के द्वारा। आज अगर देखा जाए तो आज आप बाहर जाएं अगर टू व्हीलर से जाएं हेलमेट ना पहने तो आपको डर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि बाहर कानून ऐसे हैं कि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, चलाइएगा कोई कुछ नहीं करेगा, ऊपर जो कैमरे लगे होते हैं रोड पर आप जाते हैं, सेंसर लगे होते हैं, उन्होंने अपने आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो खींची, तुरंत मोबाइल पर मैसेज आया भैया आपका चालान हो गया, क्यों हो गया, हेलमेट नहीं पहने थे, राइट।
है ना। तो ये चीजें हैं, ये इसी प्रकार ऑथोरिटी बटी हुई है। तो यहाँ एक डायग्राम देखेंगे और उससे हम लोग समझ लेंगे। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो अब इसमें आपको समझना है, बेवन ने कहा है कि तीन प्रकार की जो ऑथोरिटी है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये तो ट्रेडिशनल क्या है? रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर, जैसे ब्रिटेन में चलता है रानी का शासन, वो ट्रेडिशनल है। करिश्मेटिक, वैल्यू ओपिनियन एंड वर्ड वर्ड्स थ्रू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये मोदी जी खड़े हुए हैं और जनता सुन रही है और जनता इनका मान रही है, राइट। लीगल एंड रेशनल, ब्यूरोक्रेटिक, विल ऑफ राइट, इसमें रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ लीगल राइट, पासिस न्यू लॉ, लॉ के अनुसार हम लोग ये ऑथोरिटी मानते हैं। ऐसे ही वी वर आल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ डोमिनेंस, एक सिस्टम का अधिपत्य डोमिनेंस है, उसकी वजह से हम लोग ये सारी चीजें मानते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेवर के अनुसार नौकरशाही संगठन का एक सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल एवं सबसे प्रगतिशील एवं आधुनिक रूप है। क्यों है? क्योंकि हर जगह ये चीज चलती है, नौकरशाही है ना। आज के टाइम में हर जगह है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी ना हो। ऐसा कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट या सार्वजनिक किसी भी प्रकार का या एनजीओ हो या आपका घर हो, कहीं ना कहीं सारे जगह ब्यूरोक्रेसी अप्लाई है, और जो तर्क संगत एवं कानूनी आधार पर आधारित है। ओके, रैशनल एवं लीगल अथॉरिटी है आज के टाइम में। आज के टाइम में क्या नहीं है? करिश्मेटिक भी नहीं है ना, ट्रेडिशनल है। लेकिन अब देखने को मिलती है, जब मोदी जी को देखें तो कानूनी बहुत कम है, तर्क भी ठीक है, लेकिन आज हम लोग मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं लोग इनकी बातों से प्रभावित तो होते हैं। क्यों होते हैं? तो कोई ना कोई करिश्मा है ना, राइट। तो यह एक आधुनिक समाजों को व्यवस्थित करने एवं नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है नौकरशाही। इस प्रकार बेवन ने नौकरशाही की विशेषताओं को भी बताते हैं कि अधिकारियों का स्पष्ट पदानुक्रम, क्लियर हायरार्की ऑफ द ऑफिसर ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स। तो एक अधिकारियों का पदानुक्रम अर्थात हायरार्की रहती है कि भाई एक के ऊपर अगला, एक के ऊपर अगला। जैसे कि मान लीजिएगा आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, फिर कुछ टीचर होंगे है ना, फिर कुछ टीचर के अंडर कुछ लोग होंगे, फिर कर्मचारी होंगे, राइट। तो ये पदानुक्रम चलता है। और स्कूल में जब या कॉलेज में आप रहते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा आप कॉलेज के हैं, तो है ना, तो आपका एक बीसी होगा, फिर डीन होंगे, फिर आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे है ना, राइट। फिर वहाँ कई टीचर होंगे, प्रोफेसर है ना, असिस्टेंट्स, एसोसिएट, ये सारे, राइट। तो अधिकारियों के कार्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट, किसको क्या कार्य करना है ये भी होता है इनमें। अधिकारियों की नियुक्ति एक अनुबंध के आधार पर की जाती है, बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी की जाती है उन अधिकारियों की नियुक्ति। यस, मोदी जी एक करिश्मा ही नेता है। ओके, अव्यक्तिक कर्तव्य, इन पर्सनल ड्यूटी, किसी प्रकार का वो व्यक्तिगत काम नहीं करते हैं। ओके, अधिकारियों का चयन उनकी पेशेवर योग्यता के अनुसार एवं अनुभव के अनुसार उनकी चयन किया जाता है। उनका परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। अधिकारियों के जाने के बाद नौकरी या उससे जुड़े संसाधनों से कोई लेना देना नहीं होता है ना, मतलब पद एवं नौकरी उनके प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि अधिकारियों का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है या मान लीजिएगा वो छोड़ देते हैं नौकरी, तो उससे जुड़े, उस टाइम से जुड़े जितने भी संसाधन हैं, जितनी सुख सुविधाएं दी गई थी उनको नौकरी के टाइम, वो सारी सुख सुविधाएं हट जाती हैं। जैसे आपने नौकरी छोड़ी वैसे ही हट जाएंगी। जैसे मान लीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी अगले साल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। जो भी सरकारी सुख सुविधाएं होंगी वो हटा दी जाएंगी। ओके, नहीं ऐसा नहीं है गुड्डू, देखिए मोदी जी के चाहने वाले तो हम नहीं है, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी का
समर्थन और विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। सारी पार्टियां अच्छी हैं, सारे लोग अपनी जगह रहकर अच्छा काम करते हैं, और मैं हर बार यही कहता हूँ, हर कोई व्यक्ति अपने समय का गुलाम होता है। ओके, मैंने आपको जब भी वेस्टर्न थॉट पढ़ाए हैं तो उसमें यही चीज है, हर कोई व्यक्ति अपने समय का गुलाम होता है, जो समय के अनुसार समस्याओं से डील करता है, समस्याओं के समाधान खोजता है ना, ये चीज याद रखिए। वह एक एकीकृत नियंत्रण एवं अनुशासनात्मक प्रणाली के अधीन होते हैं, मतलब एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिनरी सिस्टम होता है, यूनिफाइड कंट्रोल होता है। ओके, ये चीज याद रखिए। यस, पॉलिटिकल साइंस का देखिए एक चीज याद रखिएगा, वही चीज हम आपको बता दें, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कोई भी हो, ठीक है, आप किसी भी पार्टी के बारे में, अगर आप एक पार्टी के हैं तो मैं जानूंगा कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ऐसा होता है, उसे कभी भी एक पार्टी में सारी चीजें अच्छी मिलेंगी ही नहीं। अगर उसे एक पार्टी में सारी चीजें अच्छी मिलेंगी तो उसे कहा जाएगा कि वो पॉलिटिकल साइंस सही से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, ठीक है। आज हमें बता दीजिएगा, ठीक है, मैंने मान लिया हर पार्टी अच्छे काम कर रही है, कौन सी पार्टी है जो एनवायरमेंट के बारे में काम कर रही है, एनवायरमेंट को लेके कौन सी पार्टी चल रही है, पर्यावरण को लेके कोई नहीं। तो आज राजनीति में भी ये मुद्दा उठता है कि पर्यावरण के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में, तो पर्यावरण के बारे में आज कोई भी पार्टी बात नहीं करती, करती है नहीं करती है, राइट। तो फिर कहां से हुई पॉलिटिकल पार्टी, सही है ना। यस, जो है लिबरल होते हैं वो उदारवादी होते हैं। करिश्मा इम्पर्सनल ड्यूटी ऐसे होता है कि अव्यक्तिक होते हैं, मतलब एक व्यक्तिकरण नहीं होता है, मतलब एक इंडिविजुअल कार्य नहीं होते हैं उनके, है ना, एक पर्सनल काम नहीं होते, ये उनके एक ऑफिस के काम होते हैं। ओके, चाइल्ड लेबर जो है, क्या समझाना है, चाइल्ड लेबर, करिश्मा इम्पर्सनल उनके स्वयं के काम नहीं होते हैं। ओके, मतलब उनकी एक ड्यूटी होती है लेकिन वो खुद के काम नहीं होते हैं। चाइल्ड लेबर क्या करना है जो या समझाना है। ओके, कोई बात, यहां तक क्लियर सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें नौकरी से जुड़ा वेतन एवं धन का लाभ मिलता है, वे इस्तीफा देते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है, अधिकारियों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग की जाती है, जैसा अधिकारी अपना परफॉर्मेंस करेगा वैसे उन्हें ग्रेडिंग दी जाती है, पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता एवं वरिष्ठों के निर्णय के अनुसार संभव होती है। अब यहाँ जो हायरार्की होती है वो जो व्यक्ति या जो अधिकारी बड़ा होगा उसे दी जाएगी, मतलब एक वरिष्ठता जो होगी वो बड़ों के अनुसार, वरिष्ठ जो होंगे मतलब बड़े अधिकारी होंगे उनके निर्णय के अनुसार ही की जाती है, उनके जजमेंट जो होंगे उनके अनुसार। ओके, यस, चाइल्ड लेबर के लिए कोई पार्टी नहीं है, कौन सी पार्टी है, कोई नहीं है। अब आता है नौकरशाही के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए रक्षा तंत्र अर्थात सामूहिकता, यानी नौकरशाही एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए सामूहिक निर्णय लेना। अब क्या है, कभी कभी क्या होती है, क्या होता है कि नौकरशाही में जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, तो बड़े अधिकारी मतलब एक उच्च पद पर होते हैं, तो उनके वर्चस्व को कम करने के लिए नौकरशाही में क्या होता है, सामूहिकता होती है, जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे। ओके, ये नहीं कि जो उच्च अधिकारी है वही निर्णय ले, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, सभी लोग निर्णय लेंगे तभी वो आगे बढ़े। सेपरेशन ऑफ पावर, अधिकारियों में जो शक्ति होती है उनका विभाजन इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी लोग निर्णय लें, एक लोग ना लें। ओके, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें, भाई प्रत्यक्ष होगा सब कुछ होगा। ओके, प्रतिनिधित्व जिन्हें जिसे उन्होंने नौकरशाही का जांच करने के लिए सबसे प्रतिभाशाली तकनीक के रूप में देखा है,
एक रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें सभी की जांच की जाती है। ओके, एशियन में सबसे बड़ा म्यूनिवर्सिटी चल। अब बेबर की आलोचना भी हुई है, क्यों हुई है तो ये चीज देख लीजिएगा। ये कहा गया है कि इनका जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, एक औपचारिक ढंग का है, मतलब एक पूरा फॉर्मल है, व्यक्ति को एक मशीन बना देता है इसके, मतलब एक यंत्रवादी विचारधारा है। ओके, एक इंस्ट्रूमेंट चलता है इसमें, इसमें अनौपचारिक नहीं है, जो भी होगा वो फॉर्मल बेस होगा। संगठन व उसके परिवेश के बीच संबंध ना होने के कारण एक बंद मॉडल है। ओके, इसे क्लोज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बदलते परिवेश में काम नहीं कर सकता है, ये कैन नॉट वर्क इन चेंजिंग एनवायरमेंट। जो परिवेश अगर बदलता है तो ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इनका एक फॉर्मल है, एक वे में काम होगा, है ना। मतलब कि इस व्यक्ति से यहाँ तक जाना है तो वो एक रास्ते जाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाए। ओके, ये नहीं है इसमें। रचनात्मक एवं कल्पनाशील वाले कामों के लिए नहीं है, एक क्रिएटिव और इमेजिनेटिव काम जो होंगे वो नहीं है, सिर्फ रोजमर्रा के ये लोग काम करते हैं बस, इसीलिए इनके जो सिद्धांत की आलोचना की गई, इसीलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की। अब आता है मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इसने आलोचना की थी। और ये आता है, इन्होंने कहा है कि संस्थागत कार्यों का पर मानवीय कारकों का प्रधानता है। मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, वैज्ञानिक चल रहे थे, मनुष्य को यंत्र समझ रहे थे, फिर नौकरशाही आए, उसमें भी हम लोग व्यक्ति को किसी के अंडर रख रहे थे, लेकिन उनमें हम लोग मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे थे। ये मानवीय ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई तो इसमें इन्होंने क्या समझा, एक मानव मानव है, मतलब अब मानव कैसे भी काम कर सकता है, अगर उसे हम अनौपचारिक इनफॉर्मल वे में रखेंगे तो वो अच्छे से भी काम कर सकता है। ओके, वर्चस्व क्या होता है विपिन? किसी का एक अधिपत्य ज्यादा होना। हेजमनी ऑफ कल्चर पढ़ा है, कल्चरल हेजमनी पढ़ी है ग्रामजी का। जैसे मान लीजिए विपिन आपके ऊपर वर्चस्व किसका है, आपके पिताजी का है। पिताजी कहेंगे कि बेटा अब हम आपकी पढ़ाई का खर्चा नहीं दे पाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वर्चस्व अभी उन्हीं का है। अगर वो कहेंगे बेटा आपको 8 बजे घर आना है तो आना ही है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो अब अगला है जो मानवीय संबंध है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है एल्टन मेयो, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एल्टन मेयो, याद रखिएगा। ओके, यह सिद्धांत सुखी कर्मचारी एवं कुशल कर्मचारी पर आधारित, अर्थात अब व्यक्ति यहाँ अनौपचारिक भी रहेगा तो भी काम अच्छा करेगा, क्योंकि अब व्यक्ति क्या कैसे, जैसे अपने बॉस को है, बॉस को कहेगा कि सर हम लोगों को काम ऐसा करना चाहिए। अब पहले क्या हो रहा था कि सब फॉर्मल चल रहा था, बॉस को अगर हम कोई सलाह दें बाहर टपरी पर अगर चाय पी रहे होंगे बॉस और स्टाफ, तो बॉस कहेगा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है ना, बॉस कहेगा कि हम ऑफिस में बैठ के बात करें। हो सकता है कर्मचारी के मन में आइडिया तभी आया हो और बॉस सुन लें, तो कर्मचारी अच्छे से एक्सप्लेन करें और वहाँ ना कर पाए, है ना। तो ये मानव के संबंध पर भी थोड़ा फोकस करते हैं कि अब हमारा जो संगठन होगा, हमारा या जो कार्यालय होगा, थोड़ा मानव ह्यूमन के जो रिलेशन होंगे, मानवीय संबंध होंगे, उनसे भी चलेगा। ओके, नहीं नहीं अब जोया अब नहीं है अब, हाँ कह देखिए, वैसे तो कह नहीं सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व है, मतलब एक ऐसा मान लीजिएगा कि आपका वर्चस्व, जैसे आपका डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस, उस पर वर्चस्व किसका होता है, एचओडी का होता है, राइट। अगर आप एचओडी से कहेंगे कि क्लास का टाइमिंग चेंज करा दीजिएगा तो वो करा देंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं होगा, है ना। अगर वो कहेंगे अब नहीं होगा टाइम चेंज, नहीं हो पाएगा, राइट। हाँ हाँ एग्जाम्पल मान सकते हैं, लेकिन अब क्या है, एक वर्ल्ड जो है अब वन डायमेंशनल नहीं है, अब मल्टी डायमेंशनल है, बहुध्रुवीय है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। एल्टन मेयो की कुछ
मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये इनकी कुछ तीन पुस्तक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हॉथन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं 1920 सेंचुरी एवं 1930 सेंचुरी में। तो हॉथन प्रयोगों में इन्होंने क्या किया है ये भी चीज़ देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले द ग्रेट इल्यूशन एक्सपेरिमेंट, प्रकाश का महान प्रयोग। दूसरा है ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट एक्सपेरिमेंट। तीसरा बैंक वायरिंग ना एक्सपेरिमेंट। और चौथा है रेले असेंबली एंड टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। बस आपको इतना ही याद रखना है, कब कब किया है ये डेट याद रखिए, अब बस, और ज़्यादा अंदर कुछ भी याद नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके यस यस, तो पापा जी का वर्चस्व है ना। तो इन प्रयोगों को एल्टन मेयो ने उनके सहयोगियों के साथ निष्कर्ष निकाले कि कार्यकर्ता मानवीय भावनाओं को महत्व देते हैं और भागीदारी पूर्ण प्रबंधन होता है, संगठन में अनौपचारिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ याद रखना है आपको क्या कि जो कार्यकर्ता होंगे वो मानवीय भावनाओं को महत्व देते हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर कोई भी कार्यालय है, ठीक है, अगर एक आपका बॉस होगा आपसे एक मानव की तरह बिहेव करेगा, ना कि एक आपको एक आपके डिपार्टमेंट या आपके ऑफिस में एक कर्मचारी के अनुसार व्यवहार करेगा कि आप कर्मचारी हैं उस अनुसार व्यवहार करेगा, तो कर्मचारी को भी गुस्सा आएगी, आपको भी गुस्सा हो आएगी कि यार ये हमारा बॉस एकदम ना खड़ूस है, राइट। अगर आप उनसे मानव के अनुसार व्यवहार करेंगे कि भाई और सुनाओ भाई पंकज कैसे हो, क्या हाल चाल है ना, और मैं यहाँ आपसे व्यवहार ऐसा करूँगा, साक्षी आप पढ़ के नहीं जानो, मैं एक टीचर वाला व्यवहार करूँगा तो आप लोग मेरी बात समझेंगे नहीं, ना आप अच्छे से बिहेव करेंगे, राइट। आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से सर आ गए, बुद्धि और ख़राब कर रहे हैं मेरी, राइट, है ना। तो अब जब तक हम लोग ये नहीं कहेंगे, हम लोग दोस्त की तरह आपको नहीं समझाएंगे एक सरल भाषा में, है ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोगों का फॉर्मल वे नहीं रहा, राइट, कभी कभी हम लोग इनफॉर्मल भी हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग आपके ही उदाहरण दे देते हैं। एक किताबी ज्ञान होता है वो फॉर्मल होता है, राइट। तो ऐसे ही भागीदारी पूर्ण प्रबंधन, एक पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट भी होता है इसमें, है ना, संगठन में अनौपचारिक तत्वों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। आज आप लोग जो समझ रहे हैं, हम जो आपको समझा रहे हैं फॉर्मल वे में नहीं समझाते हैं, इनफॉर्मल आ जाता है, कभी हम आपका एग्जाम्पल दे देते हैं, कभी आपकी फैमिली का, है ना। तो ये इससे हम लोग समझ लेते हैं जो फॉर्मल चीजें हैं, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो इसमें एल्टन मेयो ने ये कहा है कि अब हमको जो काम है जो हम लोग प्रबंधन कर रहे हैं उनमें क्या है, मानव के व्यवहार, मानव की भावना, इमोशंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अब हम लोग जो काम करेंगे वो जरूरी नहीं कि फॉर्मल वे में ही अच्छे हों, कभी कभी अनौपचारिक रूप से हम लोग चीजें अच्छी भी कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमिक सराहना करते हुए जब उद्योग उन्हें परिवार का हिस्सा मानता है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है, अगर आपको एक मजदूर और एक मशीन के रूप में देखा जाएगा तो व्यक्ति हरदम कोई भी श्रमिक को, कोई भी आपका कर्मचारी, तो वो आपका नुकसान ही करेगा। और अगर उसको कहेंगे कि आप हमारे एक कंपनी के हिस्से हैं, आप हमारे एक फैमिली के मेंबर हैं, तो वो एक परिवार का हिस्सा हो जाएगा, राइट। तो फिर वो आपकी कंपनी को भी फायदा कराएगा और अपना भी फायदा करेगा, है ना, एक मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छे से होता है। भागीदारी प्रबंधन संगठन का भविष्य एक पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, तभी एक संगठन का भविष्य अच्छा होता है, फ्यूचर। श्रमिक एक छोटे एवं बारीकी से जुड़े समूह के सदस्य थे, है ना। तो एक पहले क्या होता था, एक श्रमिकों का कोई संगठन नहीं होता था, अब संगठन हो जाएगा कि भाई एक मान लीजिएगा कोई कहा कि अरे भाई अगर मान के चलिएगा कोई भी आपका बॉस है वो अगर आपके कास्ट से बिलोंग करता है तो आपको एक लगेगा कि लगाव लगेगा कि अपना ही बंदा है भाई, ये अच्छा करेगा अपने साथ, है ना। तो अब ये चीजें होने लगेंगी। ओके यहाँ तक क्लियर। अब ऐसा ही इन्होंने कहा है, रेड बस्टर, चेसलर एवं स्क्वायर किन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने कहा है जो व्यक्ति अधिक काम करता है उसे रेड बस्टर कहा जाता है
और जो व्यक्ति बहुत कम काम करता है उसे स्वार्थी या लोभीवाद चेसलर कहा जाता है, और जो व्यक्ति पर्यवेक्षक को मतलब अपने दोस्त की पूरी जानकारी अपने पर्यवेक्षक मतलब अपने टीचर को मान लीजिए जो निरीक्षण कर रहा है उसे दे देता है और जिससे कि अपने दोस्त की हानि करा देता है या किसी व्यक्ति की हानि करा देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कबूतर का बच्चा स्पैनर। ओके, उसे कबूतर का बच्चा कहा जाता है। कि जैसे मान लीजिएगा आज यहाँ करिश्मा है, ठीक है, करिश्मा ने हमसे कहा कि सर साक्षी ना पढ़ती नहीं है, है ना, और साक्षी पढ़ रही है, साक्षी यह मान लीजिएगा साक्षी ने अच्छा वो किया एग्जाम में परफॉर्मेंस, ठीक है, अच्छा दिखाया, और करिश्मा ने कह दिया कि सर इन्होंने चीटिंग की थी, झूठी बोल दिया, ठीक, और हमने इनके नंबर काट दिए, तो क्या हुआ, फिर इन्हें कहा जाएगा भाई कबूतर का बच्चा, राइट, ऐसे समझ लीजिएगा। ओके, बुरा मत मानिएगा, ओके, करिश्मा साक्षी, चलिए, ओके, ये चीज समझिएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भैया कि नहीं है? अरे भाई पहले जो है ये तो बता दो, यहाँ समझ में आया कि नहीं? कल सुबह क्लास तो होगी ही। ओके, वेरी गुड गुड्डू, वेरी गुड करिश्मा, वेरी गुड जोया। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच्ड एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग 8 AM। ओके, कल ही ये पूरा खत्म हो जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कल समाप्त। ओके, वेरी गुड साक्षी, चलिए कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं करिश्मा, टाइम चेंज नहीं किया है, अब हो सकता है 8 AM ही कर देंगे। ओके, ये 10 यूनिट 10 नंबर यूनिट नंबर 10 भी समाप्त हो जाए, ठीक है, 8 AM ही कर देंगे। ओके, कल सुबह 8 AM होगी क्लास। ओके, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, पढ़िएगा, मैं अभी नोट्स अपलोड करता हूँ। ओके, okay?